हेलो स्टूडेंट ऑफ सेकंड फिफ्थ, लास्ट टाइम हमने चैप्टर वन किया था सब्जेक्ट ईवीएस सुपर सेंसेस। अभी हम उसके एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन आंसर, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। हाउ डिड द एंट नो, एंट को कैसे पता चलता है कि जो दूसरी एंट है वो उसके ग्रुप की नहीं है। आंसर, ants and other animals also have different senses. They can see, hear, smell and feel. Due to different senses, the ant could know that other ants were not from its group. जो ants और दूसरे animals होते हैं उनके पास different senses होती है, जैसे human beings के पास होती है ऐसे animals के पास भी होती है। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो लोग भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द एंट कुड नो दैट अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। इन सब सेंसेस से ही, अलग अलग सेंसेस से उनको पता चलता है, इन अलग अलग सेंसेस के कारण ही उसको पता चलता है कि ये जो दूसरी एंट है वो उनके ग्रुप की नहीं है। How did the guard ant recognize this ant? जो guard ant होती है वो कैसे पहचान करती है कि वो ant जो है वो उनके ग्रुप की नहीं है। Guard ant जो होल होता है उसमें, जिसमें ant रहती है उसकी guard करता है ना, उस होल को रक्षा करता है, उसको बोलते हैं guard ant, जो कर रक्षा करती है। तो उसको कैसे पता चलता है, वो कैसे पहचानता है कि वो ant उसके ग्रुप की नहीं है। द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। जो गार्ड एंट होती है वो उसको स्मेल से पहचान जाती है। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनी थिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। थोड़ी सी शुगर, गुड़ या कुछ मीठा ज़मीन पर गिरा दो और देखो, वेट करो कि वहाँ पर एंट्स कितनी देर में आती है। क्वेश्चन वन इज, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। एंट्स वहां पर आने में उनको कितना समय लगता है। आंसर इज, इट टुक अबाउट 15 to 20 minutes फॉर एंट्स टू कम। वहां पे एंट्स को आने में 15 to 20 minutes लगते हैं। नाउ सी क्वेश्चन सेकंड, Did one ant come first or group of ants come together? वहाँ पे पहले एक ant आती है कि पूरा group आता है, पहले कौन आता है। One ant come first, पहले one ant आती है, followed by a group of ants, और उसके पीछे उसको follow करते करते बाकी group भी आ जाता है। What did the ant do with the food? जो ant होती है वो food के साथ क्या करती है, food का क्या करती है। Answer is, द एंट कैरीड द फूड टू देयर होल। जो एंट होती है वो उस फूड को अपने होल में ले जाती है, कैरीड टू देयर होल, अपने होल में ले जाती है फूड को। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो वहाँ से कहाँ जाती है। आंसर इज, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वो वहाँ से अपने होल में जाती है। डू दे मूव इन अ लाइन, वो क्या लाइन में चलती है। यस, दे मूव इन अ लाइन, हाँ वो लाइन में चलती है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। आपको बिल्कुल ध्यान से एंट्स को बिल्कुल हार्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। जब वो लाइन बना के चल रही होती है ना, तो उनके पाथ में, उस लाइन के बीच में जो उनका रास्ता होता है, उसको आपको थोड़ी देर के लिए पेंसिल से रोकना है और ऑब्जर्व करना है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि एंट कैसे मूव करती है। एंट्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल, दे स्टिल मूव इन अ लाइन। जो एंट्स होती है वो अभी पेंसिल के ऊपर से चली जाती है और अभी भी वो लोग लाइन में ही चलते हैं, लाइन में चलते होते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 7, नाउ कैन यू गैस Why the ants behaved like that
वैन यू ब्लॉक देयर पाथ। अभी क्या आप गैस कर सकते हो ऐसा क्यों करती है? जब आप उनका रास्ता रोक देते हो, जब भी वो लाइन में चलते रहते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? आंसर इज एज द एंट मूव्स इट लीव्स अ स्मेल ऑन द ग्राउंड। जब आंट मूव करती है, जमीन के ऊपर चलती है, तो वो एक स्मेल छोड़ती है। द अदर एंट्स फॉलो दिस स्मेल। तो जो अदर एंट्स होती है वो इस स्मेल को फॉलो करती है टू फाइंड द वे, रास्ता ढूंढने के लिए। दस वैन देयर पाथ वॉज ब्लॉक, इसलिए जब आप उनका रास्ता रोक देते हो, एंट्स ट्राइंग टू मेंटेन देयर पाथ बाय फॉलोइंग द स्मेल। और इसी स्मेल से एंट्स जो है वो अपना वे मेंटेन करती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। कभी आप मॉस्किटो की वजह से ट्रबल में आए हो? हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो? आपको मुश्किल में डाला है मॉस्किटो ने? जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर, वो उनको कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो? मॉस्किटो कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ अवर बॉडी। जो मॉस्किटो होते हैं वो हमारी बॉडी की स्मेल को पहचान करते हैं। दे कैन आल्सो रिकॉग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम अवर बॉडी, और वो हमको हमारे शरीर में से जो गर्मी बाहर आती है उससे भी हमारी पहचान करते हैं। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नाउ अभी आप इनको राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इन होमवर्क। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे की एक्सरसाइज।